दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लॉग इन शुड नो। आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आज एक नया टॉपिक और एक नई जजमेंट पॉक्सो एक्ट के ऊपर लेकर। अभी लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैड टच और रॉन्ग टच और सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रंस, इस तरह की जो बातें हम अक्सर सुनने को हमें मिलती हैं उसी के बारे में ये जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट ज़रूरी नहीं है इस पॉक्सो एक्ट में किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए। यानी अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं भी हुआ है बच्चे के साथ, तब भी उसको लायबल करार दिया जा सकता है। सेक्सुअल इंटेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच कोर्ट शुड कंसिडर इन डिसाइडिंग इन सच केसेस। सेक्सुअल इंटेंट, उसकी सेक्सुअल इंटेंट क्या थी एक्यूज्ड की, वो देखनी चाहिए जब भी इस तरह के केसेस डिसाइड किए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है। और सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल, क्योंकि स्किन से स्किन टच नहीं हुआ तो इसलिए हम उसको उस कैटेगरी में या पॉक्सो एक्ट में नहीं डाल सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट की दो जजमेंट्स इस तरह की आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, लिहाजा सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट में उसके ऊपर दोष सिद्धि या दोष नहीं लगाया जा सकता। तो उसको उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है, और अगर कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना भी करे, लेकिन अगर उसकी सेक्सुअल इंटेंट हो रही है तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसको सजा उसमें दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट एक खबर है उन बच्चों के पॉइंट से जो हमारे देश में हर साल प्रताड़ित होते हैं। लास्ट ईयर का फिगर ही काफ़ी ऊपर चला जाता है, 43,000 बच्चे हमारे देश में लास्ट ईयर में पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर हुए हैं। तो एक साल में 43,000 केस होना, ये कितनी ही विडम्बना है, कितनी गलत बात है, और हमें ऐसे लोगों को जरूर जेल में भिजवाना चाहिए जो इस तरह की हरकतें बच्चों के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति उनके बच्चों को, अपने उनके गर्ल चाइल्ड को अगर इस तरह से करता है तो जरूर कोर्ट का सहारा लें, जरूर पुलिस में इन्फॉर्म करें और पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको अंदर जेल में कराएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।